साल 2022 की शुरुआत भले ही ज्यादा अच्छी ना रही हो, लेकिन कोरोना की थर्ड वेव का खतरा खत्म होते ही इस साल को कई बेहतरीन फिल्मों ने चार चांद लगा दिए। जनवरी से अप्रैल तक करीब दर्जन भर फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फिल्में हैं जिन्होंने थिएटर पर कमाल कर दिखाया है। इन फिल्मों ने हफ्ते भर में ही करोड़ों की कमाई कर लोगों को, ट्रेड एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम ही यश की KGF चैप्टर 2 हिंदी का है और उसके बाद RRR हिंदी का नंबर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले साल से लेकर इस साल तक बॉलीवुड को पछाड़ते हुए साउथ की फिल्में आगे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2022 की शान बढ़ाने वाली फिल्मों में बॉलीवुड की मूवीज शामिल नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने हफ्ते भर में करोड़ों रुपए कमाए। नंबर 1, KGF चैप्टर 2। लिस्ट में सबसे पहला नाम KGF चैप्टर 2 हिंदी का है। इस फिल्म ने हफ्ते भर में ही 255 करोड़ रुपए कमा लिए और अपने दूसरे हफ्ते के वीकेंड में यह आंकड़ा 300 पार हो गया। अभी भी यश की KGF चैप्टर 2 की कमाई छप्पर पार चालू है। फिल्म को रिलीज हुए 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन इसका क्रेज जस से मस नहीं हुआ है। नंबर 2, RRR। जूनियर NTR और रामचरण की फिल्म ने बड़े पर्दे पर आते ही धमाल कर दिया था। RRR को SS राजाबोली ने डायरेक्ट किया है और इसके हिंदी वर्जन ने पहले ही हफ्ते में 132.59 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अभी भी फिल्म की कमाई की काउंटिंग जारी है। नंबर 3, द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले हफ्ते में फिल्म ने 97.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अभी भी इस फिल्म का बोलबाला लोगों के बीच दिखाई दे रहा है। नंबर 4, गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए काफी सराहा गया था। फिल्म ने 69.93 करोड़ रुपए कमाए थे। इस फिल्म में आलिया भट्ट की एक्टिंग को जनता और क्रिटिक से काफी सराहा गया था। एंड नंबर 5, बच्चन पांडे। अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे की ओपनिंग तो ठीक हुई थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स के आगे ये फिल्म एकदम फीकी पड़ गई थी। फ्लॉप होने के बावजूद भी इस फिल्म ने पहले हफ्ते 47.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और अपने नाम ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया था। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ की और कौन कौन सी मूवीज के नाम शामिल होते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।